हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु भारतीय स्टेट बैंक तरफ एक बहुत बड़ निजुक्ति आसी जदि आपण मैंने सिलेक्शन पाँच तो मासिक आपण मैंने 63,840 पर्यंत दरमा भी पाई पारिबे जहाँकि एक बहुत भल दरमा रही ओडिशा भी पोस्ट रही जदि आपण मैंने सिलेक्शन पाँच तो ओडिशा भितर ही पोस्टिंग पारे एभय पुरुष और महिला प्रार्थी मैंने भी पोस्ट में अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स सबुठ बड़ कथ आपण मैंने निज मोबाइल भी एथे अप्लाई करेंगे जेहेतु एथे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रही आपण मैंने निज मोबाइल भी एथे अप्लाई करेंगे। एथे आपण मैंने किपर अप्लाई करेंगे अप्लाई कर फुल प्रोसेस टी मुझक ये वीडियो शेष में फुल आपण को इनफर्मेशन जनइबी जदि आपण मैंने अप्लाई करने इंटरेस्ट रखुंट तेरे वीडियोटी शेष पर्यटन देखने चलत प्रथम आलोचना करवा जे कौन रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण मैंने निज जिले आसुवा यही नुआ नुआ सरकारी जॉबर न्यूज पाया चाहते तेब आम चैनल को सब्सक्राइब करनी भिडटी को भी गोटे लाइक कर दिंतु। फ्रेंड्स देखु ए नोटिफिकेशन टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा एसबीआई तरफ नोटिफिकेशन टी आसी एथिरे केओ माने अप्लाई करि परिबे एथिरे ऑल ओडिसा पिला माने अप्लाई करि परिबे आम ओडिसा सब जिलार पिला माने एही पोस्ट में अप्लाई करि परिबे। जदि आम जेंडर कथा कहिबा तेबे उभय पुरुष और महिला माने भी एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे बा बोथ मेल एंड फीमेल ए पोस्ट में एलिजिबल हो पारे। देखु जदि आम सैलरी कथा कहिबा तेबे 29,900 आरंभ कर 63,840 पर्यंत आपण माने मंथली सैलरी पाई परिबे जेहेतु एथिरे डिफरेंट टाइप रो पोस्ट होइछि आपणकर क्वालिफिकेशन अनुसार अप्लाई करिबे से अनुसार आपणके एथिरे मंथली सैलरी पे करा जइबो। जदि आप माने हायर क्वालिफिकेशन पोस्ट अप्लाई करछंती तो आपणकर स्टार्टिंग सैलरी 63,840 भी होइ पारिबो। यहाँ पर देखंतु एथिरे केउ पोस्ट पे निजुक्ति आसी एथिरे डिफरेंट टाइप रो पोस्ट होइछि पिला माने देखंतु एथिरे एसबीआई सहित अन्यान्य किछि बैंक तरफ भी वैकेंसी रहिछि। देखंतु एसबीआई सहित आपणकर यूनियन बैंक एवं सेंट्रल बैंक तरफ भी किसी वैकेंसी रही आपंकर मैट्रिक पास पे वैकेंसी रही आपको ये वीडियो रे फुल इनफर्मेशन जनइबी। प्रथम मुझक ये स्टेट बैंक विषय कहबी और ये स्टेट बैंक सरला मुझक जहाँ भी अन्य बैंक तरफ किसी वैकेंसी रही मैट्रिक प्लस टू पास पे से विषय भी जनइबी। तो देखते इतने क्यों क्यों पोस्ट रही है आपंकर डीएम पोस्ट रही आपंकर डेप्युटी मैनेजर पोस्ट रहीपर आपंकर आसीस्टेंट मैनेजर पोस्ट रहीपर आपंकर आसीस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट रही यहाँ पर आपंकर सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर पर वैकेंसी रही सॉरी फ्रेंड्स आपणकर योग्यता अनुसार जेकोसी भी पोस्ट अप्लाई करें। यहाँ पर देखु एथपाई कौन सब एज लिमिट रदि आपणकर मिनिमम एज 20 वर्ष बयस हो तेब पोस्ट अप्लाई करें मैक्सिमम ए 32 वर्ष बयस रही पाने जो एज हूँ जेनराल आपणकर युअर पाला जदि आपणकर कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी किंवा फिजिकल हैंडिकैप्ड होइथिबो तेबे आपणके एथिरे अतिरिक्त ए सुविधा भी मिल पारिबो जेपर कि ओबीसी मानको 3 वर्ष एससी एसटी मानको 5 वर्ष एवं फिजिकल हैंडिकैप्ड पिला मानको अतिरिक्त 10 वर्ष रे सुविधा मिल पारिबो। फ्रेंड्स देखंतु एथिपई कोन सब सिलेक्शन प्रोसेस रहइबो एथिपई तो प्रथम आपणकर सीबीटी एग्जाम रहइबो बा आपणकर ऑनलाइन एग्जाम रहिछि आपणकर सीबीटी 1 सीबीटी 2 रहइबो यहा पर आपणकर पर्सनल इंटरव्यू बा आपणकर जो रही भाइबा टेस्ट रही सेकंड स्टेप रे आपणकर तृतीय पर्यायर आपणकर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहइबो पिला माने देखंतु एथिरे टाइपिंग टिके मिस्टेक हो जाइछि प्रथम आपणकर सीबीटी एग्जाम रहइबो यहा पर आपणकर किछि पोस्ट पे इंटरव्यू रही है किछि पोस्ट पे इंटरव्यू नाही अप्लाई कला समय नोटिफिकेशन पीडीएफ को भलाबर चेक करि नेबे यहा पर शेष पर्यायर आपणकर डीवी बा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहइबो तो पिला माने एही सब प्रोसेस द्वारा ही आपण माने एथिरे सिलेक्शन टी पाई परिबे। यहा पर देखंतु एथिरे आपण माने जेतेबेले अप्लाई करिबे अप्लाई कला समय किसी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रा आवश्यक पड़ो तो थोड़े चेक करनी जेपाई कौन कौन सब डॉक्यूमेंट रा आवश्यक पड़ो जेहेतु यह एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस तेणु अप्लाई कला समय आपण को यह सब डॉक्यूमेंट को पीडीएफ रे कन्वर्ट कर अपलोड करने को पड़ो जदि आपण सठिक डॉक्यूमेंट नंबा डॉक्यूमेंट जदि किसी भी भूल थी तो आपणकर फॉर्म टी रिजेक्ट हो पाए एथिपाई थोड़े चेक करे कौन कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो तो भल भाव देखनी प्रथम तो आपणकर ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और तार मार्कशीट देखो एथिरे तो जहाँ भी मेनसन थी जो पोस्ट में से क्वालिफिकेशन जपरिक आपर मैट्रिक प्लस टू प्लस थ्री तो मॉनिटर रही है यहाँ स्कैन होता फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे जदि आपणकर कास्ट एससी एसटी कि फिजिकल हैंडिकैप्ट हो तो आपंप वैकेंसी रिजर्वेशन रही है या सहित एप्लीकेशन फी भी फ्री रही तो यार प्रमाण पर आपने कौन करेंगे ना आपंकर कास्ट सर्टिफिकेट और पीडीएफ टी अपलोड करेंगे। यहाँ पर 6 नंबर आईडी प्रूफ आईडी प्रूफ पे देखिपारे
आधार कार्ड ऑप्शन अच्छे जदि आपखे आधार कार्ड सब ठीक ठाक थी तो आधार कार्ड टाक निश्चित रूप अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स यही सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो जिते बड़े आपरे अप्लाई करेंगे। यापर अच्छी आप्लिकेसन मोड एपाई तो ऑनलाइन प्रोसेस रही निज मोबाइल अप्लाई करेंगे किंवा जेकोसी भी नेटजन को जब अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग डेट जाके स्टार्ट हो सारी अलरेडी तो पिलाने चलते एवं आलोचना करवा जे आपने किपरि अप्लाई करेंगे अप्लाई करार फुल प्रोसेस टी मुझे कह फ्रेंड्स एपने किपरि अप्लाई करेंगे अप्लाई करार फुल प्रोसेस टी कह एपने भिडियोटी को शेष पर्यटन देखने पिलाने भिडियो डिस्क्रिप्शन में एक अप्लाई लिंक देखिए आपने जो कमेंट करती से कमेंट सेक्शन में भी एक अप्लाई लिंक देखिए। तो सिंपली आपने से अप्लाई लिंक प्रथम क्लिक करेंगे। पिलाने देखते से अप्लाई लिंक आपने क्लिक कलापर आपखे ओडिशा जीओवीटी जॉब्स साइट आसीब आपन को जिते बड़े शो हे प्रथम तो कौन करेंगे ना सिंपली तल को तलक स्क्रोल करेंगे। फ्रेंड्स देखिपे आपन को ये भिन्न भिन्न कैटेगरी अनुसार वन जहाँ भी नुआ नुआ आपंकर सेंट्रल स्टेट वो जिला वाइज वैकेंसी आए तार इनफर्मेशन आपटे शो हे आपंकर क्वालिफिकेशन अनुसार अन्न्य किसी पोस्ट भी अप्लाई करेंगे। देखते ये डिफरेन्ट टाइप्र कलम गुड़िक अच्छी एखु एक आपंकर राइट साइड रे बैंक जॉब्स रे एक ऑप्शन अच्छे देखिपे बैंक जॉब्स रे एक ऑप्शन टी अच्छी। तो सिंपली आपने ए बैंक जॉब्स रे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो पिलाने सिंपली बैंक जॉब्स रे ऑप्शन पर क्लिक करूँ। देखो क्लिक कलापर आपठे जहाँ भी आपंकर स्टेट हो जाओ कि सेंट्रल हो जाओ जहाँ भी बैंक वैकेंसी आसी थाए तार इनफर्मेशन आपठे शो हे पिलाने देखो प्रथम एक नोटिस अच्छी कौन अच्छी ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट एसबीआई रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट सैलरी आपरे 63,840 पर्यंत मंथली मिल पार। तो एसबीआई नोटिफिकेशन टी आपको देखा मिले प्रथम यहाँ पर देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तरफ एक वैकेंसी आसी आपंकर 606 पोस्ट रही एथिपाइं सैलरी आपंकर 76,000 पर मंथ रही जदि आपंकर इंटरेस्ट थी तो चाहिए भी ए चेक करेंगे। यहाँ देखो बैंक पियन पोस्ट गोटा आसी कौन आसी ना आपंकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तरफ आसी 484 पोस्ट में 8th किंवा 10th पास करते अप्लाई करेंगे। आपंकर सफाई कर्मचारी बैंक पियन वैकेंसी रही है आपंकर HDFC बैंक तरफ किसी वैकेंसी रही है आपंकर बैंक ऑफ बड़ौदा तरफ किसी वैकेंसी रही। तो देखिपे एत गुड़े नुआ नुआ वैकेंसी रही है बैंक तरफ जहाँकि आपंकर जिला वाइज वैकेंसी भी रहीपे तो आपंकर इंटरेस्ट अनुसार चेक भी करेंगे। मुझक आज वीडियो रे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विषय कहबी। तो सिंपली आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर प्रथम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपंकर क्वालिफिकेशन अनुसार जेकोसी भी लिंक उपर क्लिक कर चेक भी करेंगे। तो सिंपली एसबीआई लिंक उपर क्लिक करूँ। पिला देखो ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन लिंक उपर क्लिक कलापर आपखे ये पोस्टर सब इनफर्मेशन देखा मिले जपरिक नोटिफिकेशन टी क्यों आसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई तरफ आसी जॉब कैटेगरी कौन रही है ना बैंक जॉब रही है क्यों क्यों पोस्ट रही आपंकर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट या आपंकर असिस्टेंट मैनेजर डेप्टी मैनेजर मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर देखिपे डिफरेंट टाइप पोस्ट रही जहाँकि पूर्व कही सारी से सब मेनसन अच्छी भल भाव चेक करे। यहाँ आप इंपोर्टेंट सब रोचे लास्ट डेट जहाँकि आपंकर 4 मार्च पर्यंत रही 4 मार्च पर्यंत 4 मार्च पूर्व एप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन देखो पोस्ट वाइज मेनसन अच्छी पिलाने एक्सपीरियंस थे भी अप्लाई करेंगे ना भी अप्लाई करेंगे किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस आवश्यक पड़ी तो चेक करेंगे क्यों पोस्ट अप्लाई करेंगे से पोस्ट में कौन सब क्वालिफिकेशन रही मिनिमम तो आपखे ग्रेजुएशन पास थे भी अप्लाई करेंगे से अनुसार आप चेक भी करें। फ्रेंड्स यहाँ देखो एथिरे क्यों पोस्ट में कते मोट वैकेंसी खाली रही तार लिस्ट भी मेनसन अच्छी भल भाव चेक करें। पिला देखते जो एग्जाम सेन्टर रही आपंकर जिले हिं यार एग्जाम सेन्टर रही क्लीयरली मेनसन अच्छी किसी भी डाउट थे PDF चेक करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आप्लिकेशन फी देखो आपको ये पे करवाक पड़ो क्यों ना जनरल EWS और OBC या सहित एम फी देवाक पड़ो जदि आपंकर कैटेगरी वुमेन हो फिमेल आपंकर कैटेगरी या सहित SC ST हो तो आपंक फ्री रही डेट विषय तो कही सारी एवं देखो किपर आप्लाय करेंगे आपको इंपोर्टेंट लिंक देखा मिले ए भिन्न भिन्न पोस्ट में भिन्न भिन्न आप्लाय लिंक रही आपको तीनो आप्लाय लिंक देखा मिले तीनो PDF लिंक देखा मिले तो आपने गोटे गोटे चेक करेंगे। मुझे प्रथम PDF 1 विषय में कहबी और आप्लाय लिंक 1 विषय प्रथम कहबी तो नोटिफिकेशन PDF लिंक 1 पर प्रथम क्लिक करूँ। फ्रेंड्स आपने से PDF 1 उपर क्लिक कलापर आपखे SBI तरफ आसीबा नोटिफिकेशन टी ऑफिशियल शो हे। तो देखते क्यों पोस्ट में वैकेंसी रही प्रथम PDF रे आपंकर मैनेजर पोस्ट में वैकेंसी रही देखिपे कतोटी पोस्ट रही आपंकर टोटल कैटेगरी वैकेंसी भी मेंशन अच्छी टोटल आपंकर 50 पोस्ट रही SC ST जनरल EWS समस्त वैकेंसी रिजर्वेशन रही
ଏହା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ରହିଛି ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ଟି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଏଥିରେ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳିବ, ନଥିଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, କ୍ଲିୟରଲି ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର PDF 1। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶୋ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିନେବେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି, ଯେପରିକି କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏର ଏକ ଡେମୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ 1 ଉପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ 1 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି କିଛି ଶୋ ହେବ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଶୋ ହେବ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏର ଅପସନ୍ଟି ଶୋ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିପରି କରିବେ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଆସିବ, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଫୁଲ୍ ନେମ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ବଟନ୍ଟି ଶୋ ହେବ, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଇଫ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଏ ଲିଙ୍କ୍ 1ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ 2 ଲିଙ୍କ୍ 3 ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବଲ୍ ଆପଣମାନେ ହେଉଥିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।